शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आ जा रहा, सो जा रहे। छोड़ यार, क्या बात है शंकर? मैडम ये कोई तरीका नहीं है पैट्रिक के एक वफादार नौकर को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने का। 20 साल की वफादारी का ये मुआवजा दे दिया मेरे पिताजी को। कौन है आप किसकी बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम राजा, चंद्र प्रकाश जी का बेटा। पिछले 20 साल से मेरे पिताजी इसी फैक्ट्री में केमिस्ट का काम करते थे। ओह, शंकर जाओ। उन्हें बिना किसी वजह के यहाँ से निकाल दिया गया और उनके जमा किए हुए फंड से उन्हें एक पैसा तक नहीं मिला। बैठो। मगर चंद्र प्रकाश जी को फैक्ट्री से निकाल देने की कोई वजह तो होगी। वो आप अपने फैक्ट्री के डायरेक्टर्स मिस्टर राणा, मिस्टर सेठी और मिस्टर सूद से पूछिए। देखिए मैम साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पिछले 6 महीनों से मेरे पिताजी कोशिश कर रहे हैं और अब थक कर घर बैठे। आप मेहरबानी करके उनके पैसे दिलवा दीजिएगा बस। बट ऑफ कोर्स, चंद्र प्रकाश जी को उनके हक के पैसे जरूर मिलेंगे। वैसे भी मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहूंगी। उन्हें फैक्ट्री से क्यों निकाला गया है ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी हुई देखी वर्षा जी, और फिर उसकी तरक्की के लिए चाहे साहब की जीत और मेहनत भी देखी है। मगर राणा, सूद और सेठी के मिल जाने के बाद इस कंपनी में धांधली मच गई। ये मुझ जैसे कई वफादार लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमने बड़े साहब को एक दो बार आगाह भी किया, मगर वो तो उनके भोलेपन का इन तीनों ने बहुत नाजायज फायदा उठाया। मैं समझ रही हूँ चंद्र प्रकाश जी, सब समझ रही हूँ। मुझे इन लोगों पर शक तो शुरू से ही था, मगर ये लोग मकारे की इस हद को छू लेंगे ये मुझे पता नहीं था। खैर राजा, तुम ऐसा करो, अपने बाबूजी के सारे पेपर्स लेकर के घर आ जाना, और हाँ, अपने सर्टिफिकेट्स और डिग्री भी साथ लाना। ओके जी। कुर्सी पर बैठ गई। अब से हमारे बीच रिश्तों की जबान में बात नहीं होगी, क्योंकि यहां मैं आपके लिए आपकी पार्टनर मिस वर्षा सहाय हूं। बस हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये कुर्सी भी तो तुम्हारी ही है। मगर अभी अभी तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्यों नहीं तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती, थोड़ा सा बदलाव मिलेगा तुम्हें। नहीं मिस्टर राणा, सबसे पहले बदलाव तो मुझे यहां लाना है, इस फैक्ट्री में। मैं समझा नहीं। फैक्ट्री पिछले 7 सालों से नुकसान में चल रही है, 15 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है। दिखाया नहीं गया है मिस सहाय, इस कंपनी को नुकसान हुआ है और आपके पिताजी के साथ साथ इस नुकसान की भरपाई हम तीनों ने भी की है। आप तीनों ने मिलकर और क्या क्या किए हैं ये सब कुछ मैं जान कर रहूंगी मिस्टर राणा। और मिस्टर सूद, हाँ। आपने जो मार्केट में 20 लाख का माल दिया है वो ओवरडेट हो चुका है, उससे लोगों की सेहत पर बुरा असर हो सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। आप फॉरेन डीलर्स को बोलकर उसकी मार्केटिंग रुकवा दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम, इससे तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। आप रुपयों का नुकसान ही उठा सकते हैं, मगर किसी की जिंदगी से खेल सकते हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं वर्षा। ये काम आज के आज हो जाना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं पूछती हूँ कितना कमीशन मिलता है आपको मिस्टर सेठी से? एक्सक्यूज मी मिस वर्षा, क्या कह रही हैं आप? अगर आप किसी तरह की गलतफहमी है तो। गलतफहमी नहीं है मिस्टर सेठी, सब कुछ साफ साफ है। पूरे 25 लाख का नुकसान किया है आप लोगों ने, और अभी तो मैंने सिर्फ 1 महीने का हिसाब किया है। देखिए मिस वर्षा, बेहतर है कि हम कहीं बैठकर बात करें, इन छोटे लोगों के बीच। अच्छा, ये छोटे लोग हैं और आप बहुत बड़े हैं मिस्टर सेठी। मैं भी देखती हूँ कि आपकी ऊंचाई कहाँ तक है। पॉइंट नंबर 1, सेल्स अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग अकाउंट। पॉइंट नंबर 3,
agent's account and point number 4, total factory account. देखिए, आप खुद ही देखिए इस बस्ती की हालत कितनी खराब है. लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं. फैक्ट्री वालों ने कोई मुआवजा नहीं दिया. इन्हों की हालत देखी नहीं जाती. इस इंसान के हाथ की हालत देखिए. आप ही कुछ कीजिए ना इन लोगों के लिए, प्लीज. कैसे हुई ये सब? कहाँ जाए हम, किसको बोले, कौन है हमारा आपके सिवाय? फैक्ट्री वालों ने एक ढेला तक नहीं दिया. घर में खाने को कुछ नहीं है. मेरे बेटे का हाथ कट गया, कुछ कीजिए मैम साहब. देखिए, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा. में गड़बड़, मार्केटिंग में खोट, स्टॉक्स में हेरा फेरी, इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? मिस वर्षा, अगर मिस्टर सहाय होते तो हम जवाब देते, लेकिन आप लोगों ने मेरे डैडी की शराफत का फायदा उठाया है. उन्होंने आपको बराबर का हक दिया था, क्योंकि उम्र की वजह से वो काम का इतना बोझ नहीं उठा सकते थे, और आप लोगों ने उनके विश्वास का खून किया. हजारों फैक्ट्री के वर्कर्स को गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया. मैंने उनके घरों में अंधेरा देखा है, भूख देखी है. मिस वर्षा, जितना हो सकता था उतना उन लोगों के लिए हम करते आए हैं. उनकी मेहनत से ज्यादा हमने उन्हें दिया है. हाँ बिल्कुल, उन लोगों को भी तो चादर के हिसाब से अपने प्यार फिराने चाहिए ना. अरे तनख्वाह मिलते ही 3 दिन में लपेट डालते हैं ससुरे. ये शराब, जुआ, न जाने क्या क्या, इन्हीं बुरी लतों की वजह से हमने कई लोगों को निकाल भी दिया. गलत, आप लोगों ने निकाला उन्हें है जिन्होंने बेईमानी के खेल में आपका साथ नहीं दिया. ओहो, आप भी उन कमार और जाहिल लोगों की बातों में आ गए. अगर हम उन्हें नहीं निकालते तो वो हमें और हमारी इस फैक्ट्री को भी लपेट डालते. हाँ, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए. वर्षा, अपने हद में रहो. अब तक हमने तुम्हें बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि तुम मिस्टर सहाय की बेटी हो. मैं मिस्टर सहाय की बेटी जरूर हूँ, मगर मिस्टर सहाय जैसी नहीं हूँ. मैं सच और झूठ का फर्क समझती हूँ. ये तो खामखा हम जैसे शरीफ आदमी को लपेटने वाली बात हो गई ना. और ये मत भूलिएगा कि मिस्टर सहाय ने बड़े दिनों में हमें जोड़ा था, उसके बाद दिन रात मेहनत करके. आप लोगों की मेहनत और ईमानदारी का कच्चा चिट्टा यहाँ है, इन फाइलों में. मेरे डैडी को ज्वाइन करते ही सबसे पहले अपने जमा पूंजी को तोड़ा, कैपिटल खत्म कर दिया, और इस फैक्ट्री को लगातार नुकसान में दिखाया. और इस काम में अपने डीलर से लेकर मार्केटिंग ऑफिसर तक को जोड़ लिया. मिस्टर सेठी, मेरे डैडी ने अपने बुरे दिनों में आप लोगों को नहीं जोड़ा था, बल्कि आप लोगों के जुड़ते ही मेरे डैडी के बुरे दिन शुरू हो गए. एक बुजुर्ग आदमी को सहारा देने के बजाय आपने उसे ही अपाहिज बना दिया. जेंटलमैन, अब मैं आप लोगों का और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी. मैंने जिन फाइल्स और पेपर्स के लिए आप लोगों को कहा था वो मुझे मिल जानी चाहिए. अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ क्लेरिफाई नहीं किया तो आप लोग अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाएंगे. और मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि मिस्टर साहे के तीनों पार्टनर्स को जालसाजी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये मेरे डैडी की इज्जत का सवाल है. गुड डे जेंटलमैन.